नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं ओडिशा की खबरों की ओर। भुवनेश्वर में आज राज्य चुनाव आयोग के सचिव रविंद्रनाथ साहू ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पांचवें दौर के चुनाव में 12.30% मतदान हुआ था, चित्रकूट में 52% तक बढ़ गया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। अकेले कटक के नियाली प्रखंड में मतदान बाधित हुआ है। तीसरे दौर में 30 और चौथे दौर में 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा। तीसरे, चौथे और पांचवें दौर के मतदान के लिए कल मतदान होगा और वोटों की गिनती के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज 25 जिलार 48 ब्लॉक 975 ग्राम पंचायत पंचायत पत्या निर्वाचन आरंभ हो निर्वाचन में सब बड़ कथा चित्रकोंडा ब्लॉक निर्वाचन होता जोटा स्वाभिमान अंचल कहते बर्तमान सुधा जहां खबर अच्छी बहुत निर्वाचन चलती और भोटिंग परसेंटेज मैं 12:30 सुधा 52% अधिक लोक भोट दे सारे आमर बर्तन आज 12:30 सुधा एंटायर ओवरअल स्टेट प्राय 55% लोक भोट दे सारे केवल कटक जिलार किसी जगार डिस्टर्बेन्स रिपोर्ट पाइला सर आगे ढिंकिया ढिंकिया भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिखाई ढिंकिया जो बुथ सिफ्ट भुवनेश्वर में आज मो परिवार के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन यूनिट 3 बुद्ध मंदिर के प्रांगण में किया गया, जहां बहुत से नवयुवक और लोगों ने रक्तदान किया। मो परिवार के CEO आदित्य ने हमारे चैनल के माध्यम से कहा है कि यह बहुत ही आवश्यक है, हम सभी किसी न किसी माध्यम से रक्तदान करें और जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त की पूर्ति कर एक दूसरे की जिंदगी को सुरक्षित रख सके। उसके उपरांत वहां रक्तदान करने के बाद भी उस व्यक्ति से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, यह सहयोगपूर्ण कार्य है, मैं गर्व महसूस करता हूँ और सभी युवा वर्ग से अनुरोध करता हूँ कि वह रक्तदान अवश्य करें। हमने सबसे पहले ब्लड स्टॉक एंड दो दिन स्टॉकिंग एंड हमने सबसे पहले चाहूँ कि जो ड्राइव का चालीस जैसे आपकी बॉडी चल रही है जिससे लोग को मिसिल है ब्लड इज एन अनएंडिंग प्रॉब्लम इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू डोनेट ब्लड आपको चल रही है କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରୁ ଆମର ଯେଉଁ ହର୍ମୋନାଲ୍ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ ସେ ହର୍ମୋନାଲ୍ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ଆମର ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ ଆମର ଯେତିକି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେବ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତି 3 months କି 4 months ଗ୍ୟାପ୍ ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ଟା ଆମେ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛୁ ତାପରେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ନୂଆ ବ୍ଲଡ୍ ବି ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଦ ବଡି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ओडिशा की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।